इट्स बीन इयर्स जब हम होंडा के PCX का वेट कर रहे हैं, यामा के NMAX का वेट कर रहे हैं, बट वो अभी तक आई नहीं है. बट हीरो हैज फाइनली ब्रॉट द Xoom 160 फर्स्ट प्रॉपर मैक्सी स्कूटर. Now, what is a maxi scooter? Something like this, जो कि थोड़ा सा मोटरसाइकिल के जैसा हो, थोड़ा सा स्कूटर के जैसा हो. तो मेरी जो पोजीशन है ओवरऑल, आई एम वे मोर कंफर्टेबल, ज़्यादा इन्वॉल्विंग हो जाता है चलाने के अंदर. बाकी अब ओवरऑल बाकी स्कूटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स आपको बता तो दिया कि Xoom 160 लेकर आ रहे हैं. इफ़ यू लुक एट द डिज़ाइन, प्रॉपर टिपिकल जो आपकी मैक्सी स्कूटर डिज़ाइन लैंग्वेज वो दी गई है. काफ़ी शार्प से एजेस हैं, काफ़ी शार्प नज़र आती है. ये वाला जो पार्ट है, इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक अ यू नो मोटरसाइकिल दिए गए हैं, बट ये ब्लैक कलर में विंडस्क्रीन है जो अच्छी लग रही है. बाकी मल्टीपल एक्सेसरीज भी लेकर आएंगे, इसके अंदर विंडस्क्रीन की साइज को आप ऊपर नीचे कर पाओगे या फिर थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे भी आप कर पाओगे. बट एज इज आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस, स्पेशली कलर कॉम्बिनेशन जो है, द ब्लैक, द रेड, द ग्रेज, इवन द ग्राफिक्स हैव बीन फिनिश्ड रियली वेल. एक चीज जो बहुत ज्यादा पसंद आई है इसके स्कूटर के बारे में वो ये कि द क्वालिटी लेवल्स आर जस्ट शानदार. ये देख रहे हो आप, ये बेसिकली एक टॉगल दिया गया है जिसके साथ में आप सब कुछ कर सकते हो. आपके पास में की है तो कीलेस एंट्री है, आप गाड़ी को पुश करके स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको बूट एक्सेस करना है यहीं से कर सकते हो. सो एवरीथिंग कैन बी डन फ्रॉम हियर इटसेल्फ. फिर ये जो पार्ट है, आपको अगर कुछ रखना हो तो आप डेफिनेटली रख सकते हो, एंड दैट्स हाउ यू क्लोज इट. तो थोड़ा स्टोरेज स्पेस बनाने की इन्होंने कोशिश की है, जो कि मैक्सी स्कूटर्स की कमी होती है. बट अगर आप ओवरऑल पोजीशन देखोगे, मेरी पोजीशन देखोगे, आई एम सिटिंग लाइक आई एम ऑन अ स्कूटर प्लस मोटरसाइकिल कॉम्बिनेशन. गॉन आर द डेज व्हेन यू हैड स्मॉल स्किनी टायर्स, 14 इंच के टायर दिए हैं, 120/70/14, पीछे वाला 140 सेक्शन का है. तो टायर जो हैं दोनों बड़े हैं, बड़े डिस्क ब्रेक आपको दिए हैं, फाइबर के ब्रेक्स हैं, तो जो हार्डवेयर यूज़ हुआ है वो एक्चुअली काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है. ऑफकोर्स टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही आपको दिए गए हैं, बट एक चीज़ जो देखोगे, ब्रेकिंग मैकेनिज्म अच्छा लग रहा है, सिंगल चैनल ईबीएस के साथ में आएगा, जो कि स्कूटर्स में हम देखते नहीं हैं. यूजली हम कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग देखते हैं, बट क्योंकि 150cc से ऊपर का स्कूटर है, 150cc से ज़्यादा बड़ा टू व्हीलर है, तो आपको देना पड़ेगा. हर चीज़ जो है बहुत ही अच्छे से फिनिश की गई है. बाय द वे, इट्स अ डिफरेंट चैसी, क्योंकि ये ज़्यादा कैपेबल बनानी थी, इन्वॉल्विंग बनानी थी, बट मैं फिनिशिंग की बात कर रहा था. हर एक चीज़ फिनिश रियली वेल, मेटल का इस्तेमाल हुआ है, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से 141 केजीज का वेट है. बट क्या फिनिशिंग है यार, मतलब हर एक चीज़, ये जो आप लोगो भी देख रहे हो, जो कलर है, जो पेंट स्कीम है, इवन द ग्राफिक्स, दे लुक रियली रियली नाइस. एंड दिस इज नॉट द कूलेस्ट पार्ट, वेल देयर आर टू कूल पार्ट्स. वन इज दिस एग्जॉस्ट व्हिच लुक्स like a motorcycle exhaust. I hope it sounds really nice as well, but मैं start करके नहीं बता सकता आपको. But उससे भी ज़्यादा cool क्या चीज़ है, 160cc का आपको इंजन मिलेगा, जो कि लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो कि हम बहुत सारी बाइक्स में भी अभी नहीं देख रहे हैं. सो यू गॉट अ लिक्विड कूल्ड सेटअप, 14 HP की आपको पावर मिलती है, और लगभग उतना ही न्यूटन मीटर का, लगभग 13 या 14 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क आपको मिलता है. दैट विल मेक इट वन ऑफ द फास्टेस्ट स्कूटर्स इन इंडिया, जब आप मास सेगमेंट स्कूटर्स की बात करते हो. मैं BMW लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, और TVS X पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है. बट TVS X भी आपको बहुत ज़्यादा इसके जैसा नजर आता है, बट यहाँ पर बैटरी लगाई गई है, और उसका चलाने का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा नहीं है. आई विश मैं इसको चलाऊँ, और जो R&D की टीम और उनसे बात की हमने, दे आर सेइंग दैट यू विल हैव द मोस्ट fun when you ride this. बाकी suspensions, dual shock absorbers वगैरह दिए गए हैं, travel अच्छा खासा लग रहा है. तो कहने का मतलब, एक capable, powerful, खूबसूरत दिखने वाला scooter आपके लिए Hero लेकर आई है. It's called the Hero Xoom 160. What do you think about it? Do let me in the comment section. वैसे pricing अभी तक आई नहीं है, but लग रहा है जैसा hardware सब चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा महंगा तो होगा. कितनी होनी चाहिए इसकी प्राइसिंग जब आप लोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.